अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। चलिए हम आज कुछ और वर्ड्स देखेंगे, फियर के ऊपर है वर्ड्स, अलग अलग फियर्स जो होते हैं। कल हमने जो देख लिया था ऑफ्थेल्मोफोबिया भी देख लिया था, और एक डर होता है डर का डर। एक डर किसका होता है? डर का डर, उसे कहते हैं फोबोफोबिया। एक है डर का डर फोबोफोबिया, फिर पॉडोफोबिया भी शायद हमने देख लिए थे, पैरों का डर पॉडोफोबिया। किसी किसी को पैर देखकर डर लगता है, पॉडोफोबिया। असल में सारे डरों का एक रूट समझ लीजिए आप, कि कुछ तो होगा आपके लाइफ के अंदर जिसको, जो आपके दिमाग में अटक गया, जो बैठ गया दिमाग में, उस वजह से ये डर है। उसको एक बार रिलीज करेंगे, उस इमोशन को रिलीज एक बार कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी कभी फिर इतने डीप लेवल पर अगर आप डर जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा गुमान है कि वो जेनेटिक लेवल पर भी चले जाता होगा, कि जेनेटिकली वो ट्रांसफर होता होगा आगे। गंदगी से डर माइजोफोबिया, गंदगी से डर माइजोफोबिया, गंदगी का डर। फिर एक डर है आग का डर, आग, फायर का डर पायरोफोबिया, पायरोफोबिया। ये क्या बोलते हैं? पायर कहते हैं आग को। तो ये हो गया आपका पायरोफोबिया। एक वर्ड जो है वो मछलियों का डर है। किसका डर है? मछलियों का डर है। यूनुस अलैहि सलाम की कौम से शायद इनका ताल्लुक होगा, लेकिन यूनुस अलैहि सलाम डरे तो नहीं होंगे। फोबिया, तो लोग क्या होते हैं, कुछ कुछ लोग मछलियों से डरते हैं, यानी मछली देखी तो डर लगा। तो फिर एक वो है फॉग का फोबिया। जैसे फॉग किसे बोलते हैं? धुंध आ जाती है ना, जो बदली धुंध जो आ जाती है, तो अक्सर जो थोड़े से पहाड़ी मुकाम होते हैं वहां पर ये धुंध वगैरह आ जाती है। खुल्दाबाद है, लोनावला है, खंडाला है, इस तरीके का जो थोड़ा ऊंचाई का मुकाम होता है। और कभी कभी ये होता है कि शहर में भी, जैसे दिल्ली विल्ली के अंदर भी होता था ये, कि जब टेम्परेचर डाउन होता था, ये दिसंबर जनवरी का जो महीना आता था, इतना ज़्यादा फॉग है कि आपको एक 10 फीट का भी दिखाई नहीं दे रहा, 15 फीट का दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ कुछ लोगों को उसका बड़ा डर होता है। तो उनका डर इससे रिलेटेड होगा कि उस फॉग में कभी वो टकरा गए होंगे, कभी कुछ हो गया होगा, तो वो डर उनका दिमाग में बैठा है। तो फॉग का ये इचोफोबिया जो है, ये इचियोफोबिया, ये फिश का डर है, और फॉग का डर है होमिक्लोफोबिया। फॉग का डर क्या है? होमिक्लोफोबिया। फिर एक और डर है आपका फॉरेनर्स का डर, फॉरेनर्स के, दूसरे लोगों को। देखिए, फॉरेनर्स का डर तो हर किसी को होता है, इंसान की साइकोलॉजी है ये। कोई भी नया शख्स जब आपके पास आता है तो आपको उससे डर लगता है। कोई नया शख्स, इब्राहिम अलैहि सलाम को लगा, जब आए इब्राहिम अलैहि सलाम के मेहमान, तो उसमें जिक्र आता है कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम के मेहमान आए तो इब्राहिम ने कहा, क्या तुम्हें इब्राहिम के मुअज्जिज़ मेहमानों की खबर नहीं पहुंची? कि जब वो आए तो इब्राहिम ने कहा कि कुछ अजनबी लोग मालूम होते हैं, कुछ अजनबी लोग मालूम होते हैं। फिर जल्दी से चुपके से गया और जल्दी से भुना हुआ बछड़ा लाकर उनको पेश कर दिया। अब इसके बाद वो उनके हाथ खाने पर जब नहीं बढ़ रहे थे, तो इब्राहिम ने दिल में डर महसूस किया। क्या महसूस किया? तो ये और फिर आप अपने आप पर अप्लाई कीजिए ना, आपके घर पे जब अचानक कोई अजनबी शख्स आ जाता है, खटखटाते, आप डर महसूस करते हैं। रास्ते पर कहीं और कोई अजनबी शख्स आपको पकड़ ले, कुछ बात करने की कोशिश करे, तो आपको क्या होता है? वो मेल्स हो, फीमेल्स हो, बड़े हो, छोटे हो, सबको ये होता है। अननोन नंबर से कॉल आते हैं, उससे डर लगता है लोगों को। अननोन नंबर से अगर कॉल आते हैं तो उससे भी डर लगता है। तो ये फॉरेनर्स का डर। अच्छा, फिर कुछ कुछ लोगों को ये डर होता है कि भैया बाहर वाले लोग आके क्या करेंगे, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर तो आप देखते हैं जो भाई यूपी बिहार वाले ज्यादा आ रहे हैं, बंबई में क्या हो जाएंगे, काबिज हो जाएंगे। सेम किस्म का डर कनाडा के अंदर था, पंजाबी वहां जब जाते थे, सिख वहां जाते, आज से पूरे पूरे 100 साल पहले की बात है,
सौ साल से थोड़ा और ज्यादा अरसा हो गया कि सिख हमारे जो भाई है जब वो कनाडा जाने लगे तो वहां पे बड़ा फेमस इंसिडेंट है, गदर मूवमेंट वगैरह जब हो रही थी इंडिया के अंदर, वहां पर एक जो शिप है कोमागाटा मारू करके एक शिप थी, उसका बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि वो बड़े परेशान वो लोग रहे। और तो वहां के लोग ये डर को बढ़ाते थे, लीडर्स क्या करते थे, लीडर को मालूम होता था अपने लोग डर रहे इससे कि नए नए लोग आ रहे हैं, अजनबी चेहरों को देखकर डर रहे हैं, तो लीडर और बढ़ाते थे, ये लोग तुम पर हावी हो जाएंगे, ये हमारे पर हमला करेंगे, हम गुलाम बन जाएंगे इस तरीके से। तो उसे कहते हैं ज़िनोफोबिया। क्या कहते हैं? ज़िनोफोबिया, फॉरेनर्स का डर। अब इंडिया के अंदर थोड़ा ये हुआ कि क्योंकि ये यानी कि इंडिया तो पूरा मुकाम ही फॉरेनर्स का है। बड़ा अच्छा कहा वो एक शायर ने, सरजमीने हिंद पर फिराक गोरखपुरी, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी ने बड़ा प्यारा शेर कहा, सरजमीने हिंद पर अक्वाम आलम ते फिराक, काफिले आते गए हिंदोस्तां बनता गया। तो आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, 5000 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि ओरिजिनल लोग बहुत कम है इंडिया के, बाकी सब बाहर से आए, बाकी सब जो है वो बाहर से, वो आपके आर्यंस हो, वो आपके वो मुगल्स हो, या उससे पहले के जो तुर्क हो, या और उससे पहले के बहुत सारे अलग अलग कौमों के जो लोग आए हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो वो चीज है, तो ये तो उसको आप क्या कर रहे हैं, अब हम उसको और डरा रहे हैं उसको कि भाई ये फॉरेनर्स हैं यहाँ के कुछ लोग, उनसे ऐसा डराने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक है जो मेंढकों का डर, मेंढकों से डरते हैं आप लोग कोई, मेंढकों से, मेंढकों के डर को कहते हैं, मेंढकों के डर को कहते हैं बेट्रैकोफोबिया। क्या कहते हैं? बेट्रैकोफोबिया। मेंढक से अगर कोई डॉक्टर डॉक्टर बन रहे हैं, उनको डाइसेक्शन करना होता है ना, सभी को करना होता है शायद, कट करना होता है, तो फिर वो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे लगता है जब वो करेंगे तो डर खुद ब खुद निकल जाएगा। फिर एक है भूतों का डर, घोष्ट का, भूत। तो भूतों का डर जो होता है ये होता है फैस्मोफोबिया। भूतों का डर क्या होता है? फैस्मोफोबिया। देखो भाई, अगर कोई बच्चे अच्छे देख रहे हो वीडियो, या आप बड़े भी देख रहे हो, तो ये अगर आपके जहन में कुछ ये है कि भाई ये भूत क्या होते हैं, होते नहीं होते। हम लोगों के बचपन में हमारा दोस्त जो है एक कहानी सुनाया करता था कि बोले मेरे अब्बा जो थे, मेरे अब्बा लड़के आए हैं भूत से, और ऐसा कांटे वाला भूत था, मेरे अब्बा लड़के आए हैं। मैं घर पे आकर अब्बा से पूछा, अब्बू आप भूत भूत से लड़े हैं क्या? तब अब्बू ने शायद कुछ बोल दिया कि भाई नहीं लड़े हैं या नहीं था ऐसा। अब मुझे अंदर गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरे अब्बा हीरो क्यों नहीं, मेरे अब्बा भूत से क्यों नहीं लड़े, उसके अब्बा तो भूत से लड़े हैं। तो बचपन में उसको हम क्या करते थे, यकीन करते थे, फिर सुनते रहते थे। भाई हमारे बचपन में तो ये था कि एक जो बहुत डर मुझे याद है खुद को जो लगता था कि उल्टे पैर वाली, बोले कि भूत जो होता है वो क्या होता है, उसके पैर उल्टे होते हैं, एड़ी की तरफ से पैर उल्टे होते हैं, और वो सफेद कपड़े में होती, चुड़ैल जो होती है उसके पैर उल्टे होते हैं। तो अब भाई हम जहां भी जा रहे, तो मेरी तो एक आदत बन गई थी कि हर औरत के किसको देखना, पैर को देखना, इसके इसके पैर उल्टे तो नहीं है, इसके पैर उल्टे तो नहीं। तो ये भूतों का डर क्या होता है, फिर आत्मा, आत्मा का ऐसा लगता था आत्मा है किसी के आंग में आ जाती। सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए उसको, तीन ही चीज होती है। ये क्या होती है? सिंपल सिंपल तीन चीज है जो कुरान हदीस वगैरह ये सब चीजों से साबित है, और उसके इलाज भी है, और उससे प्रिकॉशन भी है। जिन होता है, जादू होता है, और नजर होती है, नजर या हसद आप बोल सकते हैं उसको। तो ये तीन चीजों का इंसानों पे जो होता है वो असर होता है। और जो सुबह शाम के अस्कार हैं, बेसिक बड़े बुनियादी अस्कार हैं, आप आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, आप सूर्य बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ लीजिए, आप जो कुल है मौइज़तैन जिसे कहते हैं वो आखिरी तीन कुल तीन तीन बार पढ़ लीजिए, सूरज निकलने, सूरज सुबह और शाम के टाइम पर पढ़ लीजिए आप। और फिर कुछ दुआएं हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मातिन मिन शर्रि मा खलक़, है ये तीन बार पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, ये पढ़ लीजिए तीन बार।
और एक दुआ है आपकी, अल्लाह मैनी असलकल अफो वल आफिया फी दीनी व दुनियाई व अहली व माली, अल्लाह मस्तूर रवाती व आमिन रवाती, अल्लाह फजनी मिन बैनी यदैया अय्यमीनी अंशवाली मिन फौकी व उज़ भी अज़मती का नुख्ताला मिन तहती। तो इस तरीके की कुछ दुआएं हैं, आप सर्च करके उसको और अच्छे से तलफ़्फ़ुज़ वगैरह देख कर पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ों से क्या होती है, हिफाजत होती है और इंसान ज़्यादा पावरफुल है भाई, इंसान ज्यादा पावरफुल है। ये जो कुछ चीजें होती भी है तो ये पढ़ लेने से, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बहुत पावरफुल चीज है, अल्लाह का नाम लेना बहुत पावरफुल चीज है, तो और ये सारा है। और अल्लाह ताला ने इंसान को पावर ज्यादा दिया है, वो तो आप उनसे डर जाते हैं, ये तो ऐसा है कि शेर बिल्ली से डर रहा है। ठीक है, बिल्ली के पंजे अंजे हैं, कभी कुछ शेर के ऊपर वो झपट सकती है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है, इंसान है। तो ये है। अच्छा, किसी किसी को हाथों से डर होता है, किससे डर होता है, सॉरी हैंडोफोबिया नहीं है, काइरोफोबिया है। क्या है, काइरोफोबिया। तो बच्चों आप ये समझ लो कि भूत वूत कोई किस्म की कोई चीज नहीं होती है, जिन अलबत्ता होते हैं, लेकिन वो उनके लिए हर बात अब और अलग चली जाएगी। काइरोफोबिया होता है, किसी किसी को बालों का डर होता है, बाल देख के डर लगता है, तो बाल से कभी कभी उनको घिन आई होगी या बाल से उनका कुछ वो हुआ होगा, साबिका कभी लाइफ में पड़ा होगा, तो बालों से डरने लगते हैं। ट्राइकोफोबिया, क्या है वो, ट्राइकोफोबिया। या कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ इस तरीके से हरकत सरजद हो गई, कोई खुद एक डर की कैफियत में है और उस वक्त जो चीज दिख गई, यानी बड़ा डर की कैफियत में उसको बाल दिख गए या उसको कुत्ता दिख गया, उसको बिल्ली दिख गई, उसको मेंढक दिख गई, तो वो डर की कैफियत जो है, वो जो थॉट जो डर का उस वक्त में है, वो जुड़ जाता है किससे, वो उस वक्त बिल्ली आ गई पास में, अब वो बिल्ली से डरने लगेगा। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। फिर एक जो डर है आपका वो है ट्राइकोफोबिया हो गया, एक गर्मी से डर है थर्मोफोबिया, थर्मोफोबिया। एक डर किससे है, गर्मी से है, थर्मोफोबिया। फिर एक डर होता है आपको जहन्नम से डर, हेल का, नर्क का जो डर है, नर्क के डर को कहते हैं स्टिगियोफोबिया। नर्क के डर को क्या कहते हैं, स्टिगियोफोबिया, स्टिगियोफोबिया, स्टिगियोफोबिया। यानी जहन्नम से, जहन्नम से तो डर लगता है कि भाई कहीं हम जहन्नम में ना चले जाए, तो वो चीज जो है वो स्टिगियोफोबिया है। और एक होता है हॉर्सेस का, घोड़ों का डर, हिप्पोफोबिया। क्या कहते हैं उसे, हिप्पोफोबिया, घोड़ों का डर। कुछ कुछ लोग अब वो कहे कि कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा घोड़ों के साथ, तो वो डर हो जाते। इंसेक्ट्स का फोबिया। अब ये इंसेक्ट वाला जो हमारा लेक्चर जिसने देखा होगा, वो वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए, इसको पॉज कीजिए वीडियो को, वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या आप बना पा रहे हैं क्या। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का डर, उसका जो रूट वर्ड है उसके आगे फोबिया लगा दीजिए। तो हमने जो रूट वर्ड देखा था वो था एंटोमोफोबिया। तो अगर आप अच्छे से बना पाए हैं सही से ये वो, तो बहुत मुबारक। फिर एक वर्ड है चाकुओं का डर, चाकू का डर। हो सकता है कभी बचपन में किसी ने चाकू काट डालूंगा, ऐसा बच्चों बच्चों को डराते हैं ना, तो अम्मा ने अब्बा ने किसने किया होगा। तो आइकमोफोबिया, क्या है वो, आइकमोफोबिया, आइकमोफोबिया। बच्चों को इस तरीके से डराना नहीं चाहिए, बचपन में बहुत सारी चीजें जहन में हो जाती है। यानी अब वो बहुत बार वक्ती है, उसके ऊपर बोलना बहुत इजी है ये बच्चों को, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, लेकिन बहुत वो जब तक के एक पर्सनालिटी में काम नहीं आता हम वो नहीं कर पाते। माशाल्लाह, ये तो अजीब डर है, नॉलेज का डर है। किसका डर है, इल्म का डर, नॉसियोफोबिया, नॉसियोफोबिया, इल्म का डर, नॉलेज का डर, कि कहीं मुझे मालूम पड़ जाएगा तो कोई कोई के भाई मुझे मालूम ना पड़े, मुझे क्या हो जाए, मालूम ना पड़े। लेकिन एक सही बात है
कि हम लोगों को इल्म नहीं है, हमें चीज़ों की मालूमात नहीं है। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें वो सब मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है तो तुम हंसोगे कम और रोओगे ज़्यादा। तो हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन इसकी असलियत और बात की असलियत हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, तो हम हंस देते हैं लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह ये तो। और ये वाला लेकिन नॉलेज का डर किस किस्म का है ये मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई नॉलेज से कोई डर है कि नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम करना है इस बात को। अच्छा हाँ, ये इस किस्म की नॉलेज हो सकती है, उसको थोड़ा अगर मैं गेस कर रहा हूँ, गुमान कर रहा हूँ कि क्या हुआ कि जब साइंस तरक्की करने लगा, साइंस के अंदर सब चीज़ें तरक्की करने लगी, तो साइंस का हमेशा झगड़ा किससे रहा? रिलीजन से रहा, बज़ाहिर यानी कि ऐसा लगता था कि ये किससे है, असलन में ऐसा नहीं है। समझिए आप, असलन जो भी रिलीजन है और वो आगे जाके साइंस और वो सब क्या होने वाले, अच्छा वो समझेगा अच्छा ये तो बराबर बात बोल रहे थे, तो ये रिलीजन भी यही बात बोल रहा था और वो बहुत पहले बोल रहा था रिलीजन बात, साइंस को बाद में ये मालूम पड़ेगा और रिलीजन को भी बाद में मालूम पड़ेगा। रिलीजन को, रिलीजन वालों को कह रहे यार ये तो अपना ही फायदा करके दिया साइंस ने, अपन जो बातें पहले खाली एतिकाद के तौर पर, बिलीफ के तौर पर बोलते थे, वो साइंस ने अब साबित कर दिया कि वो सारी बातें सही है। तो कुछ लोगों को कि ये था कि अब क्रिश्चियंस थे उस वक्त में जब वहां पे रेनाइसेंस आ रहा था कि यार ये बात मुझे मालूम होगी तो लोग क्या हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी से फिर जा रहे थे। साइंटिफिक जब टेंपर वहां पे डेवलप हो रहा था तो वो इससे डरते थे कि अगर मुझे मालूम पड़ गया तो क्या हो जाऊंगा, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी मैं एक उसका गेस कर रहा हूं कि शायद इस वजह से नॉलेज से डर हो सकता है, बड़ी बड़ी चीजों से डर, मेगालोफोबिया, मेगालोफोबिया बड़ी चीजों से डर। फिर एक डर है आपका लाइट से डर। अब आप बनाइए फिर से वर्ड, हमने लाइट का जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने इससे पहले लाइट का ये देखा है, रूट वर्ड देखा है लाइट को क्या कहते हैं, तो लाइट से डर को कहते हैं फोटोफोबिया। क्या कहते हैं? फोटोफोबिया। फिर एक डर है आपका लाइटनिंग का डर। ये तो अक्सर लोगों को होता है, बिजली जब कड़कती है, राद जिसे कहते हैं, सूर्य भी है कुरान के अंदर राद, इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोफोबिया। तो अक्सर अक्सर लोगों को, यानी मैं तो समझता हूं कि हर इंसान को इस बात से जब वो, क्योंकि कुरान में उसका जिक्र आया कि तुम तुम्हारे पर एक यानी कि तुमको डर भी लगता है और तुमको उम्मीद भी आती है। बिजली कड़कती है तो डर ये लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, हमारे घर पर ना आ जाए, हमारी गाड़ी पर ना आ जाए, हम चल रहे, हर किसी को शायद ये लगता है। और दूसरी उसमें, लेकिन बिजली जब आती है उसके साथ उम्मीद की कैफियत ये होती है कि अपने साथ फिर वो बारिश लेकर आती है, पानी लेकर आती है, तो ये चीज है। कुछ कुछ लोगों को शादी से डर लगता है, उसे कहते हैं गैमोफोबिया। शादी से डरने वाले को क्या कहते हैं? शादी का डर, उसको गैमोफोबिया कहते हैं। असल में कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं लाइफ में, तो असल में हम गलत उसको क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने एक दफा झूठ कह दिया कि क्लास है, जबकि मेरी क्लास नहीं थी और मुझे 10 किलोमीटर जाना पड़ा, तो फिर मैंने बड़ा धोखा फील किया कि यार इसने मुझे झूठ कैसे कहा कि ये क्लास है। तो उस बात से फिर मुझे लगा कि हर कोई क्या करता है, धोखा देता है, तो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह शादी के अंदर किसी के, आपने सुन लिया कि इनके पास शादी हुआ था तो ऐसा हुआ, इनके पास शादी हुआ था तो ऐसा हुआ, और यानी कि वाइस वर्सा हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, कोई फीमेल को बड़ा परेशानी हुई शादी के अंदर या मेल को बड़ी परेशानी हुई शादी के अंदर, वो लीगल मैटर्स हो गए या दूसरी कहीं कहीं अजीब 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 किस्म की चीजें हो गई, तो वो सारी बातें दिमाग में होने की वजह से लोगों को फिर किससे डर लगता है? शादी से। हालांकि असल वो जरूरी नहीं है कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा सबके साथ हो। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे झूठ बोला था, तो जरूरी नहीं है हर कोई झूठ बोले, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो दोस्त हर बार झूठ बोले। तो ये हम उसको गलत ट्रेस कर लेते हैं, उसका डायग्नोस गलत कर लेते हैं। तो ये है आपका शादी का डर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे कुछ और वर्ड्स ले लेंगे। ये फोबिया की और लिस्ट है भी लंबी, दो लेक्चर शायद और जाएंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम।